हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आपको ब्यूटी स्टाइल और फैशन और हाँ हॉल के वीडियोस देखना पसंद है ना, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। अभी अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और जिन्होंने किया है वो इस वीडियो को, और जिन्होंने नहीं भी किया है कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी कि आप कैसे 7 तरीकों से अपने वेडिंग लहंगे को कम पैसों पे खरीद सकते हो, है ना। कैसे वो मैं बताऊंगी। जैसा कि आप जान, तो शादी का सीज़न आ चुका है और सारी ब्राइड्स में होंगी, बहुत टेंशन्स हो जाती हैं कि यार मैं अपना लहंगा कैसे लूँ, कहाँ से लूँ, मेरा तो बजट इतना है पर मुझे पसंद तो वो वाला है, वो कैसे ले पाऊँगी। तो इन सब का सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। जो ब्राइड टू बी हैं और जो फ्यूचर में भी होने वाले हैं सबको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, ठीक है। स्टार्ट। सो सबसे पहला है कि आप कॉमन कलर की ओर जाओ, ठीक है, लाइक रेड, मरून और पिंक कलर, ठीक है। ये सब कॉमन कलर हैं जो डिमांड में या ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि वो इतने डिमांड में होते हैं कि उसका प्राइस इतना हाई कर देते हैं ना, और फिर हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा कि आपको उसी रेट के उस पर आपको जो कॉमन कलर्स हैं, जैसा मैंने बताया रेड, पिंक, मरून, ये सब बहुत प्यारी डिज़ाइंस के साथ मिल जाते हैं। और अगर मैं कहती हूँ, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो ना, तो प्लीज़ चांदनी चौक इस चीज़ का हब है, यहाँ और बड़े सस्ते रेट पे लेके जाओ अपने वेडिंग लहंगा, ठीक है। दूसरी टिप्स मैं ये देना चाहूँगी आपको कि अगर आप लहंगा देख रहे हो, अपने वेडिंग लहंगा देख रहे हो, तो कोई रिटेल स्टोर से प्रेफर करो, ना कि कोई डिज़ाइनर और बूटीक से जाके देखो, बिकॉज वहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। आप सेम, एक मैं और आपको इसी में टिप्स दे देती हूँ कि आप उसी लहंगे की कहीं से अगर आपको कॉपी मिल जाती है, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाती है ना, तो आप अपने पास रखो और उन रिटेल स्टोर्स पे दिखाओ। आजकल तो बहुत सारा होता है कि आप अपने हिसाब से उसे बनवा सकते हो, अगर पर्टिकुलर जैसे कोई आपको लहंगा अच्छा लगता है तो आप अपने उसे कलर में भी करवा सकते हो, है ना। थोड़ा टाइम टेकन होता है बट कर देते हैं और आप बहुत आराम से पैसे बचा सकते हो। टिप नंबर 3, अगर आपको डिज़ाइनर लहंगे ही पसंद हैं, डिज़ाइनर्स के ही लहंगे पसंद हैं, तो नॉन ब्राइडल लहंगे पे जाइए, ठीक है। ब्राइडल लहंगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, नॉन ब्राइडल लहंगे पे जाएंगे तो आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी और अच्छे रेट पे, कम आपके प्राइस रेंज में ही आपको लहंगा प्रोवाइड कर देंगे वो। टिप नंबर 4, आप अगर किसी भी स्टोर पे जाते हो, किसी भी स्टोर ऑफ वो फिर साइड डिज़ाइनर हो या फिर रिटेल स्टोर हो या कोई बुटीक हो, तो आप उनसे बोलिए हमें प्री वेडिंग लहंगा देखना है इंस्टीट्यूट ऑफ वेडिंग लहंगा, ठीक है। उस रेट पे आप जाओगे, अगर आप ये कहते हो तो उस रेट पे आपको बहुत सारी वैरायटी दिखाते हैं, क्योंकि प्री वेडिंग लहंगा क्या होता है ना, वो वेडिंग लहंगा से थोड़ा सा कम वो होता है ना, तो आपको रेंज इधर उधर मिल जाएगी उसकी, है ना, है ना, कमाल की बात। नोट कर लेना, अगर जो अभी जिनके अभी शादियां होने वाली हैं या ब्राइड टू बी हैं या फ्यूचर में भी कभी भी ब्राइड बन रही हैं वो, तो उनके लिए सारे टिप्स बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, ट्रस्ट मी। फिफ्थ टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप किसी भी डिज़ाइनर का आपको लहंगा पसंद आता है तो आप किसी ऐसे स्टोर पे जाओ जिस पे उसकी रेप्लिका मिलती है, ठीक है। इवन सेकंड कॉपी मत लो, थर्ड कॉपी लो, ठीक है। आप थोड़े से वो रहोगे कि थर्ड कॉपी क्या होती है, थर्ड कॉपी में ये होता है कि हल्का फुल्का उन्होंने थोड़ा बहुत फैब्रिक में इधर उधर कर देना है या तो थोड़ी डिज़ाइन इधर उधर, पर आपको पता नहीं चलने वाला या किसी को भी नहीं पता चलने वाला है ना। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की रेप्लिकाज ऐसी होती हैं, ठीक है, सेकेंड नहीं थर्ड कॉपी की बात कर रही हूँ, तो आपको ऐसे भी आराम से डिज़ाइनर्स लेंगे बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। 6, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है यार, क्यों, क्योंकि क्या होता है, अब आपने इतना कॉस्ट, इतनी प्राइस पे इतने हैवी लहंगे को तो ले लिया है ना, अब क्या सोच रहे हो कि आप उससे वेयर कहाँ करोगे, शादी तो एक बार हो गई है ना, अब कहाँ वेयर करोगे,
सोचने को होता है। एक बार और बहुत ज़्यादा लोग पहन लेते हैं अपने शादी के बाद, करवा चौथ वगैरह पे, उसके बाद वो पड़ा रह जाता है ना, फिर वो कभी पहनने में नहीं आता। तो मैं प्रेफर करूँ, अगर कभी भी होती है मेरी शादी तो रेंट पे लेना, बिकॉज़ क्या होता है, या तो रेंट पे लेना या तो कम रेट पे मिल जाए, है ना। पर प्रेफर करो रेंट पे लेना अगर आपको पैसे सेव करने हैं, क्या, और आपको सस्ते में मिल भी जा सकता है और आप कोई भी आराम से चूज़ कर सकते हो, और रेंट में आपको कोई ये भी नहीं है कि यार आप क्या करें उसका बच गया तो रेंट है भाई, आज यूज़ किया दो दिन बाद, दो या तीन दिन या हफ्ते भर का, हर अपना अपना वो होता है जो रेंट पे प्रोवाइड करते हैं आपको, आराम से आप उन्हें ले सकते हो। उनके पास इवन ज्वेलरीज भी होती हैं, आप ज्वेलरीज भी ले सकते हो। लास्ट और सेवन टिप ये है कि आप ड्यूरिंग सेल, जब भी सेल चल रही हो तब खरीदो जाके, ठीक है। अब लाइक जैसे आप कहोगे कि यार मेरी तो अभी तुरंत साड़ी पड़ने वाली है, मैं कहाँ से सेल देखूँ, बट ऐसा नहीं होता यार, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जब भी आपकी लाइक सीज़न शुरू होने वाले हैं शादियों के, उससे थोड़ा सा पहले वाला जो होता है ना, वहाँ पे आपको सेल ज़रूर मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जैसे फेस्टिव्स वगैरह चलते रहते हो तो भी आप आराम से ले सकते हो सेल में, बहुत कम प्राइस पे और बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। इवन मैंने भी ट्राई किया है, बड़े अच्छे लहंगे बड़े चीप रेट पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो जो मैंने बताने की कोशिश की आपको, कि हाँ आप ऐसे करके अपने ब्राइडल लहंगे को बड़े सस्ते रेट पे और बड़े अच्छे अच्छे लहंगे ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि मैं आपके लिए और उन सब के लिए जिन्हें आप शेयर कर रहे हो खूब सारी वीडियोस लाती रहूँ जो आपको हेल्प भी करें, ओके। तो चलिए अब अगले वीडियो में मैं मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय।